हेलो गाइस वेलकम टू कॉन स्टडी तो जे के एस एस बी क्लास फोर्थ रिक्रूटमेंट के लेक्चर सीरीज़ में आज हम एक न्यू लेक्चर करेंगे जो होगा मैंसोरेशन का पार्ट थ्री और गाइस हमारा जो सिलेबस है मैथ्स का वो नियर अबाउट कंप्लीट हो गया है क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट के लिए तो जो हमारी सीरीज़ है इसको जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं ये पूरी सीरीज़ आपके लिए मोर देन इनफ़ होगी जो आपका एग्ज़ाम आएगा क्लास फोर्थ का उसके लिए तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मैंसुरेशन पार्ट थ्री तो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि कौन के ऊपर और क्यूबॉइड और क्यूब के ऊपर क्वेश्चंस बताए थे इसमें हम कौन के और क्वेश्चंस करेंगे तो कैसे क्वेश्चंस कौन में पूछे जाते हैं लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था कौन के कुछ फार्मूलाज बताए थे तो देखिए क्या फार्मूलाज थे कौन के ये हमारा हुआ राइट सर्कुलर कौन ठीक है ये हुई इसकी स्लैंड हाइट एल ये हुई इसकी एच हाइट रेडियस ऑफ द बेस आर तो एक फार्मूला था एल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था पाई आर एल टोटल सरफेस एरिया का था पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर और जो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला था वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच तो ये फार्मूला सारे यूज होंगे इसमें तो ये आपको नोट कर लेने हैं फार्मूलाज जो मैंसूरेशन है ये आपका फार्मूला बेस्ड ही है तो फार्मूलाज याद रखोगे तो आपके लिए क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे तो स्टार्ट करते हैं द रेडियस ऑफ ए कोन इज़ फाइव सेंटीमीटर एंड वर्टिकल हाइट इज़ ट्वेल्व सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस तो देखिए रेडियस तो उसने दिया फाइव और जो हाइट है वो है ट्वेल्व तो देखिए अब अगर आपको फार्मूला पता होगा तो फार्मूला है पाई आर एल फॉर्मूला पता है तो इसका मतलब है फॉर्मूला में एल चाहिए यहाँ पे आर और एच है तो एल का फॉर्मूला क्या होगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जब मैं इसका अंडर रूट करूंगा तो आएगा ट्वेल्थ का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर ये बनेगा थर्टीन ठीक है तो मेरे पास एल की वैल्यू कितनी आई थर्टीन सेंटीमीटर एल की वैल्यू थर्टीन आ गई तो फॉर्मूला में पुट करते हैं कर्व सरफेस एरिया क्या होगा ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू फाइव इंटू थर्टीन ठीक है तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा इंटू थर्टीन बाय सेवन ठीक है तो भाई एक और चीज देखना कि मैंने मल्टीप्लिकेशन कैसे की इसमें मैंने ट्वेंटी टू और फाइव को मल्टीप्लाई किया क्यों किया क्योंकि ट्वेंटी टू और फाइव को मल्टीप्लाई करना ज्यादा ईजी था वो कितना बना वन वन जीरो अब देखिए जब भी इलेवन को मल्टीप्लाई करना होता है किसी नंबर से वो ज़्यादा ईजी रहता है अगर मैं इसको ऐसे करता ट्वेंटी टू इंटू थर्टीन पहले मल्टीप्लाई करता तो वो थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन हो जाती बट अगर इलेवन को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना हो वो ज़्यादा ईजी रहता है तो आप भी ऐसी अप्रोच यूज करें एग्ज़ाम में जो आपका टाइम सेव कर सके तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द रेडियस ऑफ ए कोन इज सेवन सेंटीमीटर एरिया ऑफ कर्व सरफेस इज़ वन सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड इट्स लैंड हाइट तो देखिए कर्व सरफेस एरिया उसने दिया है वन सेवेंटी सिक्स और रेडियस उसने दी हुई है सेवन उसने पूछा है हमारे पास स्लैंट हाइट तो देखिए हमारे पास सबसे पहले हम फार्मूला पुट कर लेते हैं पाई आर एल किसका वन सिक्स तो यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं अगर पाई आर एल की वैल्यू है वन सेवेंटी सिक्स तो ट्वेंटी टू बाई सेवन आर कितना हुआ सेवन और ये एल इजिकल टू वन सिक्स तो एल तो की वैल्यू कितनी आई अगर मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करूँगा 176 को 22 से तो वो आएगा 8 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 8 सेंटीमीटर तो फार्मूला याद था तो डायरेक्ट हमने यूज़ करके क्वेश्चन निकाल लिया और आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे द हाइट ऑफ ए कोन इज ट्वेंटी वन सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द बेस इज स्लैंट हाइट इज ट्वेंटी एट सेंटीमीटर देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि उसने पूछा हाइट उसने कोन की दी हुई है ट्वेंटी वन सेंटीमीटर अब उसने बोला एरिया ऑफ द बेस तो ये हमारा कौन है ठीक है ये जो एरिया होता है ये ऊपर वाला सारा कौन सा होता है कर्व सरफेस और ये कौन सा एरिया होता है पूरा एरिया टोटल सरफेस उसने पूछा रेडियस ऑफ द एरिया ऑफ द बेस तो देखिए एरिया ऑफ द बेस क्या होगा ये वाला नीचे वाला ये जो मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ ठीक है ये वाला ये जो एरिया होगा ये है एरिया ऑफ द बेस तो देखिए एरिया ऑफ द बेस क्या होता है इसका किस शेप में है ये सर्कल शेप में तो एरिया ऑफ द बेस क्या होगा पाई आर स्क्वायर ऐसे भी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर तो टोटल सरफेस एरिया हमारा किससे बनता है एरिया ऑफ कर्व सरफेस और एडिया ऑफ बेस ठीक है तो हमें पता लगा एरिया ऑफ द बेस का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर बट पाई आर स्क्वायेयर यूज़ करने के लिए हमें रेडियस पता होनी चाहिए हमारे पास हाइट थी ट्वेंटी वन और स्लैंट हाइट थी ट्वेंटी एट तो देखिए एल का फार्मूला क्या होता है अंडर रूट ऑफ ऐसे भी लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो एल की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी एट का स्क्वायर और एच की वैल्यू है ट्वेंटी वन का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो स्क्वायर्स अगर याद होंगे तो स्क्वायर्स में क्या था सेवन एट्टी फोर और यहाँ पर क्या होगा फोर फोर्टी वन प्लस आर का स्क्वायर तो जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा यह आता है थ्री फोर्टी थ्री का आर स्क्वायर अब थ्री फोर्टी थ्री किसी का स्क्वायर नहीं होगा ठीक है थ्री फोर्टी थ्री किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा तो आर की वैल्यू क्या आएगी आर स्क्यर की वैल्यू आएगी आर की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ थ्री फोर्टी थ्री ठीक है अब हमें फॉर्मूला यूज़ करना है इसका कौन सा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर वाला जो हम मैंने पहले बताया तो पाई आर स्क्वायर क्या होगा ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू अंडर रूट ऑफ थ्री फोर्टी थ्री का स्क्वायर, ठीक है तो एरिया क्या होगा ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू थ्री फोर्टी थ्री तो जब मैं इसको ए, कैंसिल करूँगा तो ये आएगा फोर्टी नाइन तो ट्वेंटी टू इंटू फोर्टी नाइन इसका आंसर होगा अब देखिए ट्वेंटी टू इंटू फोर्टी नाइन को कैसे करोगे आप ट्वेंटी टू इंटू ईजी वे में कैसे करना हो अगर तो आप इसको डायरेक्ट करने लगे तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा अगर मैं नाइन यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ नाइन फोर्टी नाइन इंटू ट्वेंटी टू है तो फोर्टी नाइन इंटू टू इंटू इलेवन ठीक है फोर्टी नाइन इंटू टू नाइन्टी एट इंटू इलेवन तो इलेवेंथ की हमारे पास मल्टीप्लीकेशन काफ़ी ईजी होती है ठीक है तो ये क्या हो जाएगा नाइन एट्टी और नाइन्टी एट तो इसका आंसर क्या आया एट सेवन वन जीरो सेवन एट ठीक है आंसर आया वन जीरो सेवन एट तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन विद रेडियस सिक्स सेंटीमीटर एंड हाइट एट सेंटीमीटर तो रेडियस सिक्स सेंटीमीटर दी हुई है और हाइट है एट सेंटीमीटर तो टोटल सरफेस एरिया का अगर फॉर्मूला याद होगा तो आपको पता लगेगा कि हमारे पास कौन सी वैल्यूज मिसिंग है पाई आर स्क्वायर एल हमारे पास नहीं है यहाँ पे तो एल के लिए फॉर्मूला क्या होगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायेर प्लस आर स्क्वायर तो जब आप ये वैल्यू निकालोगे तो एल की वैल्यू कितनी आती है टेन सेंटीमीटर तो एल की वैल्यू यहां से आई टेन तो फॉर्मूला क्या है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ ट्वेंटी टू बाय सेवन इंटू आर कितना है सिक्स इंटू टेन प्लस ट्वेंटी टू बाय सेवन इंटू सिक्स इंटू सिक्स ठीक है तो कमेंट्स में बताना कि इसका आंसर क्या होगा इजी वे में करके बताना नॉर्मल जो कैलकुलेशन होगी वो मत करना तो देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते थे ट्वेंटी टू इंटू सेवन इंटू सिक्स दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन ले सकते हैं ट्वेंटी टू बाय सेवन इंटू सिक्स टू ये क्या बन जाता है सिक्सटीन कैसे बना जब मैंने इन दोनों को यहां से कॉमन लिया तो बीच में क्या रहता है टेन प्लस 6, 16 बन जाता. तो कमेंट्स में बताना इसका आंसर क्या होगा ऑफ कोन विद बेस रेडियस फाइव पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर. फाइंड द कर्व सरफेस एरिया पूछा है कोन का तो और एरिया क्या होता है कर्व सरफेस तो यहाँ पे हमें वैल्यूज़ देखनी है आर भी दिया एल भी दिया तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं तो क्या आंसर होगा ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू फाइव पॉइंट टू फाइव इंटू टेन ठीक है तो ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू फाइव पॉइंट टू फाइव इंटू टेन ठीक है तो ये हम कैंसिल हो सकता है ये सेवन फाइव सेवन सेवन ज़ा और ये फाइव पॉइंट सेवन फाइव तो ये क्या बना ट्वेंटी टू अगर मैं टेन को इससे मल्टीप्लाई करूँगा ट्वेंटी टू इंटू सेवन पॉइंट फाइव तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम ट्वेंटी टू को जब सेवन से करेंगे वो डायरेक्ट आता है वन फिफ्टी फोर और पॉइंट फाइव से करेंगे वो आता है इलेवन तो ये क्या बना वन सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है तो हमने इजी वे में आप डायरेक्ट इसको ऐसे मत करना सेवेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी टू वो बहुत लेंदी हो जाता है जब मैंने ट्वेंटी टू को सेवन से मल्टीप्लाई किया तो वो डायरेक्ट आ जाता है वन फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव से किया तो उसका आधा कितना होगा इलेवन दोनों को ऐड किया वन सिक्सटी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ लेंथ इज ट्वेंटी वन मीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज ट्वेंटी फोर मीटर तो डायमीटर उसने दिया हुआ है ट्वेंटी फोर और आपको पता है डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस तो हमारे पास रेडियस आ गई बारह मीटर तो लेंथ और उसने लेंथ दे दी हुई स्लैंडी वन मीटर ठीक है एक हमारे पास लेंथ दे दी हुई है द द इफ लेंथ लेंथ इज मीटर तो ये जो लेंथ है वो कौन सी है इसकी ये हमारे पास है कौन ठीक है ये इसने रेडियस डायमीटर दिया है ये वाला यहां से यहां तक ट्वेंटी फोर ठीक है एंड ये लेंथ ये स्लैंड हाइट है कितनी है ट्वेंटी वन मीटर ठीक है तो हमें इसमें आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का तो टोटल सरफेस एरिया कौन का देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेर तो इसमें देखिए आप एक और तरीके से कर सकते हैं पाई आर दोनों में कॉमन आ गया अंदर क्या रह गया एल प्लस आर ठीक है तो ये भी आप यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में आपको ये वाले यूज़ करके बताऊँगा इसको कैसे करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनाया हमने ट्वेंटी टू बाई सेवन पाई आर एल पाई आर एल प्लस आर ठीक है ये फॉर्मूला बनाया था तो ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू आर क्या है ट्वेल्व ठीक है और अंदर क्या आएगा एल प्लस आर ट्वेंटी वन प्लस ट्वेल्व तो इसका आंसर क्या होगा ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू ट्वेल्व इंटू थर्टी थ्री ठीक है तो ये जो आंसर होगा इसको जो ऑप्शंस भी होंगे वो आपको अपॉन सेवन की फॉर्म में दिए होंगे कभी भी वो लेंदी कैलकुलेशन अगर एक जो कम मार्क्स में क्वेश्चन होते हैं उसमें पॉइंट्स में आंसर कम पूछते हैं वो क्योंकि पॉइंट्स में टाइम लगता है तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो भी इस वे में होगा तो देखिए तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे आप डिफरेंट अप्रोच लगा सकते हो आप ट्वेंटी को थर्टी से कर सकते थे अगर मैं इसको ट्वेंटी को ब्रेक करना हो मुझे पूरे को ब्रेक करना हो तो ये क्या लिखा हुआ है ट्वेंटी टू इंटू ट्वेल्व इंटू थर्टी थ्री सेवन तो देखिए ट्वेंटी टू और थर्टी थ्री क्या इलेवन के मल्टीपल हैं तो ये क्या बना टू इंटू इलेवन इंटू ट्वेल्व इंटू थ्री इंटू इलेवन और इलेवन इंटू इलेवन क्या होगा वन ट्वेंटी वन वन ट्वेंटी वन और टू इंटू थ्री क्या होगा सिक्स होगा सिक्स इंटू ट्वेल्व तो अगर मैं वन ट्वेंटी वन को सिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ वो आता है सेवन ट्वेंटी सिक्स इंटू ट्वेल्व ठीक है तो ये हमारी लास्ट की कैलकुलेशन हो जाएगी सिक्स इंटू ट्वेल्व आप कर सकते हो आराम से डिवाइडेड ठीक है तो ये होगा इसका आंसर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ इज डायमीटर उसने दिया रेडियस तो कितनी होगी थर्टी फाइव तो स्लैंट हाइट पूछी है तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है फोर जीरो पाई आर एल तो पाई आर एल तो पाई आर एल की वैल्यू क्या आएगी ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू थर्टी फाइव इंटू एल ठीक है तो यहाँ से क्या होगा ये कैंसिल हो गया अब इसको हम कैसे करेंगे फाइव को इसके साथ कैंसिल uh, करके देखते हैं फाइव एट जा वन फोर ठीक है अब हमें देखना है कि ये इसके साथ कैंसिल होता है या नहीं तो ये किससे कैंसिल होगा ट्वेंटी टू थ्री जा और सेवन जा तो एल की वैल्यू कितनी आई थर्टी सेवन सेंटीमीटर तो इसको डायरेक्ट मत करना कि ट्वेंटी टू इंटू थर्टी फाइव करके फिर इसको नीचे लेके जाओगे इसके फिर ऐसे मत करना जो चीज़ें आपकी जल्दी कैंसिल होंगी उनको कैंसिल करो क्वेश्चन को ईजी बनाओ ठीक है ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन करने से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं आपको वहाँ पर जल्दी से जल्दी आंसर करना है ठीक है तो ये हुआ ये अप्रोच थी इस क्वेश्चन की फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए क्रॉनिकल वेसल विद रेडियस सेवन सेंटीमीटर एंड स्लैट हाइट ऑफ द कोन इज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तो कैपेसिटी का मतलब ही यही होता है वॉल्यूम ठीक है तो उसने लीटर में पूछी है तो रेडियस उसने दे दी हुई है सेवन और स्लैंट हाइट दी हुई है ट्वेंटी फाइव तो देखिए वॉल्यूम का सबसे पहले जब भी मैंसूरेशन के क्वेश्चन आएंगे जो भी पूछा होगा या दिया होगा उसका फॉर्मूला ये लिख लो साइड में कि पाई वन बाई थ्री पाई आर स्क्वा एच देखिए जब मुझे वॉल्यूम निकालनी होगी तो मेरे पास क्या क्या चाहिए यहाँ पे आर आर है एच चाहिए एच की वैल्यू मेरे पास नहीं है तो मैं एच की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा अगर मेरे पास एल और एच दिया हो तो इनका फॉर्मूला क्या होता है एच स्क्वायेर प्लस आर स्क्वायेर एल की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी फाइव का स्क्वेयर सिक्स ट्वेंटी फाइव एच की भी निकालनी है और आर स्क्वेयेर है सेवन स्क्वेयर मतलब फोर्टी नाइन तो जो मेरी एच की वैल्यू आएगी वो आती है ट्वेंटी फोर यहाँ से जब मैं इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा उसका स्क्वायर रूट लूँगा वो आता है ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर तो ये आ गई मेरी एच की वैल्यू अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है वन बाई थ्री पाई ट्वेंटी टू बाई सेवन आर स्क्वायर इंटू सेवन इंटू सेवन और एच कितना है ट्वेंटी फोर वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच ये हुआ इसका फॉर्मूला ठीक है तो पाई की ट्वेंटी टू बाई सेवन आर स्क्वायर सेवन इंटू सेवन और ट्वेंटी फोर ये देखिए ये सेवन से सेवन कैंसिल थ्री एटा ट्वेंटी फोर अब इसको भी देखिए कैलकुलेशन कैसे सिंपल करनी है एट सेवन सा फिफ्टी सिक्स इंटू टू इंटू इलेवन इलेवन को मैं इसलिए ब्रेक करता हूँ क्योंकि इलेवन की जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाती है ट्वेंटी जब भी आपको इलेवन का मल्टीपल दिखे उसकी ब्रेक कर दो उसको तो फिफ्टी सिक्स इंटू टू तो हमारे पास ईजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये कितना बनता है वन वन टू और वन वन टू इंटू वन वन देखिए क्या बनता है वन वन टू जीरो और वन वन टू तो इसका आंसर क्या बनेगा वन टू थ्री टू तो इसकी वॉल्यूम कितनी आई देखिए फिर से बताता हूँ कैसे किया वन बाई थ्री था ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन इंटू ट्वेंटी फोर ये इससे घटा थ्री एट सा ठीक है एट इंटू सेवन फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स इंटू टू वन वन टू वन वन टू को जब मैं इलेवन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा वन वन टू ज़ीरो वन वन टू तो ये बना वन टू थ्री टू ये हुई इसकी वॉल्यूम अब उसने पूछा लीटर्स में तो देखिए एक चीज़ याद रखना वन सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू क्या होती है वन लीटर के इक्वल होती है इसका आंसर आता वन टू थ्री टू सेंटीमीटर क्यूब तो उसको हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं वन टू थ्री टू लीटर ठीक है तो जब क्वेश्चन ऑप्शन क्या होंगे एग्जाम में लीटर में होंगे तो कन्फ्यूज मत हो जाना बट ये याद रखना वन सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू वन लीटर ही होती है तो गाइज आज के लेक्चर में बस इतना ही तो ये थे हमारे मैंसुरेशन का एक और लेक्चर इसमें कौनस के क्वेश्चन थे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊँगा सिलेंडर के ऊपर क्वेश्चन और अब हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हैं स्फेयर और हेमीस्फेयर और ये तीन टॉपिक्स बचेंगे हम नेक्स्ट तीन लेक्चर्स में कर लेंगे तो हमारे साथ बने रहें चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें और शेयर करें सबके साथ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू